श्रीगंगानगर होलसेल सब्जी मंडी में आवक ज्यादा, खरीदार कम। गुरुवार को नई व्यवस्था से भीड़ छंटी, खाली खाली नजर आया मंडी प्रांगण। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर होलसेल फल सब्जी मंडी में गत दिवस प्रशासन द्वारा एक बैठक में तय की गई नई व्यवस्था के कारण आज गुरुवार को ग्राहक कम और सब्जियों की आवक ज्यादा नजर आई। मंडी में माल ज्यादा आने और खरीदारों के कम होने से सब्जियों के भाव भी कल के बजाय कम रहे। पिछले कुछ दिनों में जहां मंडी के अंदर बाहर हुजूम उमड़ रहा था, वो अचानक कम हो गया है। मंडी प्रांगण के बाहर सुबह 7 बजे इक्का दुक्का रेडी ठेले और टेम्पो वाले नजर आए, अंदर नाम मात्र के लोग ही थे। लिए गए निर्णय के अनुसार किसानों ने अपनी सब्जियों के थैले पैकेट बनाकर उन पर अपने नाम का टैग लगाकर मंडी में छोड़ दिए थे। किसानों की गैर मौजूदगी में आढ़त व्यापारियों ने ही सब्जियों की बोली लगाई। सब्जी मंडी में आज सुबह की पारी में आसपास के कस्बे से खरीदारों के टेम्पो नहीं आए, रेडी वाले काफी कम आए। खरीदार कम होने एवं आवक ज्यादा होने से सब्जियों के भाव में गिरावट रही। किसान जनप्रतिनिधि अमर सिंह का क्या कहना है, आप भी सुनिए। पिछले 3-4 दिन से सब्जियों की जो आवक थी वो किसानों की तरफ से तो कम थी, लेकिन मंडी में ग्राहक कम होने की वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला था, तो इस वजह से मंडी में भीड़ कम करने की वजह प्रशासन ने ये व्यवस्था की कि किसान अपनी सब्जी जो है वो शाम के वक्त ला के रख दे और आड़ती उसे बेच दे। ना तो वो सही तरीके से बिक पा रही है, और अब भी ऐसा हुआ कि भाव खुले छोड़ दिए, फिर भी आज बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां बिकने के लिए पड़ी है। 2 दिन से व्यवस्था नहीं हो पाई थी कि रेडियो वाले अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो आज रेडी वाले कम आए, क्योंकि 2 दिन से उनको सब्जियां ही नहीं मिली थी पूरी, तो वो बाजार तक आज पहुंचे नहीं। और कल से जो व्यवस्था लागू की है कि बाहर की मंडियों का जो है खरीदार वो शाम के वक्त आएगा, तो हो सकता है आज बाहर से कोई खरीदार आ जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि दुकानदार के जो 4-5 अलाउ किए हैं, तो वो सिर्फ एक बंदा पैसे लेता है मुनीम और दूसरा उसको लिखता है। माल का जो भाव या तय करना है वो नहीं हो पाता है, जिससे माल का जो मोल और भाव है वो सिर्फ किसान ऊपर नीचे करता था 1-2 रुपए का, तो किसान पास ना रहे इसकी वजह से ये माल इतना पड़ा है कि ग्राहक को वो कोई बता नहीं पाता है कि कितना भाव किस रेट में बिक रहा है। मंडी के व्यापारी चंद्र सिंह का कहना था कि आज 60% तक बिक्री कम हुई, इसकी वजह है आज माल अपेक्षाकृत ज्यादा आया और खरीदार कम थे। आज आम दिनों के तुलना में प्याज 60% कम बिका है, आज 40% सेल हुई है। मंडी में आवक ज्यादा है, कुछ बिक्री कम है। क्या कारण है बिक्री कम का? बिक्री बाहर बिक्री नहीं है, जो रेडी वाले प्याज लेके जाते हैं उनका माल बाहर नहीं बिकता, जब उनका माल नहीं बिकता तो मंडी का माल भी नहीं बिकता। रेट 14-13 रुपए ये सीकर है जी। आइए जानते हैं मंडी में मौजूद अन्य लोगों का क्या कहना है। खरीदार कम आ रहे हैं, माल तो पूरा आया ही, जिम्मेदार माल पूरा लेके आया है। अब जिम्मेदार सामने बैठा हो तो भाव ऊपर नीचे हो जाता है और कर देता है, उसकी बाउंडेशन होगी, भाव की बाउंडेशन होगी। जिम्मेदार कह रहे भाव कम मिल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा, आने रहा कैसे भाव बेचे, माल सारे पेंडिंग पड़े। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।